सोहा नदी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 5-10 कमेटी गठित की गई है। यह टीम ऊना जिला में नदी के क्षेत्र में खनन की जांच करेगी। ऊना जिला में सोहा नदी में हो रहे खनन पर एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। सोहा नदी में खनन और इससे पर्यावरण को हो रहे नुकसान की शिकायत एनजीटी से की गई थी। अब सोहा नदी की हकीकत जानने के लिए एनजीटी की ओर से एक कमेटी बनाई गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जसवीर सिंह की अध्यक्षता में 5-10 कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सोहा नदी का दौरा करेगी और पर्यावरण को हो रहे नुकसान की रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी जाएगी। ऊना जिला की नदी में हो रहे रेत के खनन पर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5-10 समिति रिपोर्ट बनाएगी। इस मामले में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी नोडल एजेंसी बनाया गया है, जबकि एनजीटी द्वारा गठित कमेटी को प्रदूषण बोर्ड और डीसी मदद करेंगे। एनजीटी की टीम आ रही है, क्या कहेंगे आप? एनजीटी का एक ऑर्डर अमनदीप वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में आया है, जिसमें एनजीटी द्वारा जस्टिस जसबीर सिंह, जो एक्स हाईकोर्ट जज हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से, उनके अध्यक्षता में 5-7 कमेटी गठित की गई है। और कमेटी के द्वारा जो है वो इंस्पेक्शन ऊना जिले में होना है, जिसकी तिथि अभी तक तय नहीं हुई है। सर, इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी? इस मामले में अगली सुनवाई एनजीटी द्वारा 10 मई को रखी गई है, और तब तक ये निर्देश दिए गए हैं कि जो जिला प्रशासन है वो भी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करे इस पूरी स्थिति के ऊपर, और जो कमेटी है उनके सामने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाए। सर, जिला प्रशासन से कौन कौन साथ होगा? इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो IPH का फ्लड प्रोटेक्शन डिविजन है, उनके अधिकारी जो है वो इस टीम में होंगे। बेल टीवी के लिए ऊना से रिद्धम की रिपोर्ट।